ये जो आज की इंडियन गवर्नमेंट है, जिस भी शासन के प्रशासन के जिस भी अधिकारी ने उसको पर्यटन स्थल घोषित करने की घोषणा करी है, उसको वहां पर भगवान नहीं दिख रहे, उसको वहां पर रेवेन्यू दिख रहा है। उसको दिख रहा है कि इधर पर्यटन स्थल बनाने के बाद आवागमन बढ़ेगा तो झारखंड सरकार का हो सकता है कोष बढ़ जाए। वो मांगे गले तक खोल करके जैन समाज से अपेक्षा कर दे कि हमको इतना पैसा चाहिए है, उसके गले में यहां तक हम ठूस ठूस के नोट की गड्डी भर देंगे, इतनी ताकत रखते हैं हम लोग। उसको कितना रेवेन्यू चाहिए है पर्यटन विभाग, अगर सम्मेलन शिखर को घोषित करते हैं वो सम्मेलन शिखर को पर्यटन विभाग घोषित करूंगा जितनी रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं उसका डबल रेवेन्यू हम उसको हर साल देने की हिम्मत रखते हैं। ऐसी कौम के लोग हैं, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ न किया जाए। उसको आप अगर सद्भावना रखते हैं, अगर आप किसी भी चीज को मजाक नहीं समझते हैं, अगर आप धार्मिक हैं, तो उसको आप पवित्र नगरी घोषित करिए कि यहाँ के सराउंडिंग 50 किलोमीटर एरिया में अगर किसी ने मुर्गी का भी हनन किया तो उसके ऊपर गौ माता की हत्या के बराबर का केस चलेगा। ऐसी किसी ने बनाई होती व्यवस्था तो उसके लिए पूरी दुनिया ताली बजाती, बियर बार खोलने के लिए, रेस्टोरेंट खोलने के लिए इस तरीके की आक्रामकता। और मैं मानता हूँ वो किसी ने भी दस्तखत कर दिया और कह दिया हो, वो इम्प्लीमेंट तो नहीं कर पाएगा। क्यों महाराज, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, जहाँ सकलेचा जी बैठे हों, जहाँ पर अमित शाह जैसे लोग बैठे हों, जहाँ गृह मंत्री जैन समाज का हो, उस समय अगर आप ये सोचते हैं कि जैन समाज के किसी पर्यटन स्थल, उस पवित्र नगरी को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया जाएगा, मैं तो ये मानता हूँ कि जैन समाज में इतने रसूखदार लोग रहते हैं कि वे अगर एक फ़ोन भी कर दें तो लोगों के डिपार्टमेंट बंद हो जाते हैं। ये बहुत छोटी सी बात है बंधुओं, बहुत छोटी सी बात है। हिलाना हम जानते हैं लेकिन हमारे मौन को लोग मजाक समझते हैं, हमारी शालीनता को लोग कायरता समझते हैं, हमारी अहिंसा को लोग नपुंसकता समझते हैं, ये उनका भ्रम है। जिस दिन हम अपने में आ गए उस दिन किसी भी चीज को हिलाने की दम रखते हैं बंधु। ये उपदेश भी है, ये उपदेश भी है, ये आदेश भी है और ये चेतावनी भी है, ये तीनों चीज है। दूर दूर तक पहुंचाइएगा मेरी इस बात।